हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर स्क्वायर। इनकी पहचान पढ़ेंगे आज, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, और इनकी साइड्स में क्या रिलेशन होता है, किसका एंगल 90 डिग्री होता है, किसका नहीं होता है, और इसके पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले भी। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इनकी पहचान पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये लेट्स सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ये मैंने डायग्राम पैरेललोग्राम की बनाई है। अब इस पैरेललोग्राम की पहचान समझते हैं कि क्या होती है पैरेललोग्राम। इसमें एक तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने का मतलब ये AB और ये DC, AB इज पैरेलल टू DC। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, जितना मर्जी उनको एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ, दे विल नेवर मीट ईच अदर। तो AB और DC पैरेलल हैं, और AD और BC ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, यानी कि AB जो है इट इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। तो ये तो हमने पढ़ा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी। और एक बात ध्यान रखनी है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, AC और BD, इसके डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब कि ये जो AO है वो OC के इक्वल होती है, और इधर से BO इज इक्वल टू DO। यानी कि अब ये भी याद रखना है कि इसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो यहां पर AC डायगनल जो है टू इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, सेम वे BD जो है वो भी टू इक्वल पार्ट्स में यहां पर बट रहा है, राइट? तो पैरेललोग्राम में ये पहचान याद रखनी है। अब पैरेललोग्राम के बाद बात करेंगे रेक्टेंगल की। कंपेयर करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। अब क्या होगा, ये जैसे रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहा हूं, अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी। जो प्रॉपर्टीज सेम है पहले उसकी बात करते हैं, दोबारा नहीं मैं लिख रहा हूं, टिक लगा रहा हूं। फर्स्ट लाइन बिल्कुल सेम रहेगी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकंड भी बिल्कुल सेम रहेगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये भी बिल्कुल सेम, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब और क्या इसमें चेंज है? देखिए, ये वाला एंगल पहली बात तो 90 डिग्री का हो जाता है, चारों एंगल 90 होते हैं इसमें रेक्टेंगल में। तो अब इसमें एक नई चीज क्या ऐड होगी, एंगल A इज इक्वल टू B इक्वल C इज इक्वल टू D, दीज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यानी कि किसी पैरेललोग्राम का अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री आ जाए तो समझ लो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, रेक्टेंगल के चलो डायगनल्स हमने बाइसेक्ट तो करने बोल दिए, रेक्टेंगल के ये जो डायगनल्स है ना वो इक्वल भी होते हैं। इसके डायगनल्स दे आर इक्वल, यानी कि मैं यहां पर ये लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू BD। रेक्टेंगल में डायगनल्स इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है। इनफैक्ट यहां पर हम यही लिखेंगे कि दीज आर नॉट इक्वल। अब इनके रिलेशंस अलग अलग तरीके से याद रखे जा सकते हैं। अगर हम सिर्फ साइड्स की बात कर लें, तो सिर्फ पैरेललोग्राम की बात करें तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगनल्स इक्वल नहीं होते। अगर ऑपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हों और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएं तो हम उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, नंबर वन। यानी कि पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो वो रेक्टेंगल बन जाती है। दूसरा, अगर किसी पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 हो जाए तो वो भी रेक्टेंगल हो जाती है। तो अब सुनिए ध्यान से कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। ये सुनिए ध्यान से, हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ये जरूरी नहीं है, राइट? तो हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है,
और पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल होना जरूरी नहीं है, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अभी तक हमने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब बात करते हैं रोम्बस की। तो ये पहचान करनी बहुत आसान हो जाएगी। रोम्बस की बात करते हैं। अब रोम्बस क्या है? तो सारी क्वाड्रिलेटरल्स। रोम्बस में स्पेशली क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, ए बी सी डी चार साइड्स हैं। इसकी पहली तो प्रॉपर्टी क्या है जी, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो चलो चारों साइड्स इक्वल लिख लिया हमने। और रोम्बस में क्या होता है, अच्छा इसके डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, ये याद रखिएगा। हाँ डायगनल्स बाइसेक्ट जरूर करते हैं। ये ओ है, सेंटर ले लिया हमने जहाँ पे दोनों डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब बिल्कुल सेम वही कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, लेकिन अब इसमें परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। डिफरेंस क्या है, दे बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल 1 भी 2 भी, और मैं इधर ये 3 एंगल भी और ये 4 भी। तो ये सभी एंगल्स जहाँ पे डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कितना है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि दे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज है। और हाँ डायगनल्स को मैं इक्वल नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि AC इज नॉट इक्वल टू BD। अब सुनो, रोम्बस के बाद बात आती है स्क्वायर की। अब स्क्वायर का रिलेशन हम रोम्बस के साथ पढ़ेंगे। ये डायग्राम देखिए। अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पहली चीज डायगनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। तो फिर और दो चीज़ें कौन सी ऐड होंगी, नंबर वन चारों एंगल ये वाले भी 90 डिग्री होंगे, एंगल ए बी सी और डी चारों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। एक चीज़ तो ये पढ़ दी हमने। नंबर टू, मैंने रोम्बस में लिखा कि डायगनल्स इक्वल नहीं होते। अगर अब रोम्बस में अगर डायगनल्स इक्वल हो जाएं, हो तो सकते हैं, लेकिन तब वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अगर डायगनल्स इक्वल हो जाएं तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब देखो रिजल्ट क्या बन रहा है, हर स्क्वायर ही रोम्बस है, लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। हर रोम्बस को स्क्वायर बनने के लिए डायगनल्स को इक्वल करना जरूरी होगा, या रोम्बस में कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो भी वो स्क्वायर बन जाएगा। और अगर वो स्क्वायर है हमारे पास गिवन, तो दैट मीन्स रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज उसमें एप्लीकेबल हैं, लग रही हैं, राइट। तो ये था डिफरेंस। तो रिलेशन देख लो, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का हमने स्टडी किया, फिर रोम्बस और स्क्वायर का स्टडी किया, राइट। अब बात करते हैं आगे इनके पेरीमीटर और एरियाज की। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें पैरेललोग्राम और रोम्बस का भी रिलेशन है, क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम्स तो देखो सारी ही हैं, इसलिए हमने शुरुआत पैरेललोग्राम से की थी, आगे पैरेललोग्राम में ही प्रॉपर्टीज ऐड होती गई और नेक्स्ट डायग्राम्स हमारे पास बनती गई। अब हम सबसे पहले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। ये देखिए रेक्टेंगल एबीसीडी, लेट्स सपोज दिस इज लेंथ एल, दिस इज ब्रेड्थ बी, तो ये भी लेंथ एल, ये ब्रेड्थ बी। फॉर्मूले ही पढ़ेंगे आज, याद करेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है चारों साइड्स को ऐड करना, चारों साइड्स को ऐड करना। मैं चारों साइड्स को ऐड करने का मतलब L प्लस B, फिर ऊपर वाला L, फिर इधर वाला B। देखो चारों को ऐड कर दिया, L प्लस B प्लस L प्लस B, ये मेरे पास क्या बनता है, 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम्स B, यानी कि 2 कॉमन निकाल लीजिए, माई पेरीमीटर इज 2 इंटू L प्लस B। आसान है, मुश्किल नहीं है। और रेक्टेंगल का एरिया, इट इज गिवन बाय लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये दो फॉर्मूले आज याद करने हैं, आज का हमारा एम है फॉर्मूले याद करना। तो ये हमने किसके फॉर्मूले किए, रेक्टेंगल के, राइट। रेक्टेंगल के फॉर्मूले हमने याद किए,
और अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, ये देखिए थोड़ा सा लाइन को टेढ़ा कर देते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल 90 डिग्री हम नहीं लेंगे। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर पैरेललोग्राम का अगर पेरीमीटर निकालना हो, पैरेललोग्राम का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो कोई मुश्किल नहीं है, बस चारों साइड्स को ही ऐड करना है, चारों साइड्स को ऐड करना है। मैं मान लो इस साइड का नाम मान लेता हूँ x, ये है लेंथ y, अब ये x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, x प्लस y प्लस x प्लस y, 2x प्लस 2y, दैट मीन्स 2 इंटू x प्लस y। तो पेरीमीटर तो बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ही है, लेकिन एरिया में क्या होता है, एरिया इसका होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये अभी याद रखना है। पैरेललोग्राम के केस में ये किसकी बात कर रहे हैं हम, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम में एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो बेस यहां पर कौन सा है, ए बी, हाइट होती है, देखिए हाइट मतलब ये डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये डी ई मेरी क्या है, इसकी हाइट है। यूजली क्वेश्चंस में किसी तरीके से आपको गिवन होगी, जिसको यूज करके ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर और एरिया पढ़ा, अब बात करते हैं रोम्बस और स्क्वायर की। चलिए रोम्बस की बात करते हैं, रोम्बस जिसके चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये ध्यान से देखिए ए बी सी डी रफ ड्रॉ कर रहे हैं इसको, राइट, डायगोनल भी बना लिया। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब रोम्बस में पेरीमीटर की बात करें तो चारों साइड्स को ही ऐड करना है ना आपने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी है तो चारों साइड्स की एडिशन, लेकिन रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं जी। अगर एक का ए है, ए है, ए है, मैंने लेट्स सपोज साइड की लेंथ ए मान ली, तो ए को ही चार बार ऐड करना पड़ेगा ना, तो फोर टाइम्स ए हो जाएगा, इसीलिए रोम्बस का अगर पेरीमीटर निकालना तो फोर टाइम्स साइड बोलते हैं, तो फोर ए मतलब फोर टाइम्स साइड, इससे पेरीमीटर निकल जाएगा। और रोम्बस का अगर एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू डायगनल वन मल्टीप्लाई डायगनल टू, डायगनल वन मल्टीप्लाई डायगनल टू मतलब एक डायगनल ए सी एक डायगनल बी डी, कोई भी पहले लिख दो कोई भी बाद में लिख दो। तो ये बहुत ईजी फॉर्मूले हैं रोम्बस के पेरीमीटर और एरिया निकालने का। और इसके बाद अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, यहां पर डायग्राम बना रहा हूं स्क्वायर की, अब स्क्वायर में भी तो सेम ही मेथड है, पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोर टाइम्स साइड या फोर ए लिख लो बिल्कुल, क्योंकि इसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एग्जैक्टली सेम वे इज देयर। हाँ, स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है, साइड का स्क्वायर कर दो, या क्या लिख सकते हो, साइड मल्टीप्लाई साइड, एक ही बात है, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना ही होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सबको याद होने चाहिए। और आज हमने पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इनकी पहचान पढ़ी, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स के क्या रिलेशन हैं, कौन सी लाइंस पैरेलल होती हैं, और इनके पैरामीटर और एरिया के फॉर्मूले भी पढ़े। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो आप सबको समझ आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।